बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। शाम के 4 बजने को है वक्त है न्यूज एट 4 का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ बहराइच से है। बहराइच में माफिया देवेंद्र सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। माफिया देवेंद्र सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, बड़ी खबर आपके सामने। बहराइच में माफिया देवेंद्र सिंह पर यह बड़ी कार्रवाई है प्रशासन की तरफ से। माफिया देवेंद्र सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 85 करोड़ का होटल और 25 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुर्क किया गया है, बड़ी जानकारी है। माफिया देवेंद्र सिंह पर दर्ज थे करीब 36 मुकदमे, ऐसी खबर है। और 6 महीने से जेल में बंद है माफिया देवेंद्र सिंह, ये बड़ी जानकारी आपके सामने इस वक्त बहराइच से है, जहां पर माफिया देवेंद्र सिंह पर ये बड़ा एक्शन हुआ है। 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, बड़ी जानकारी। 85 करोड़ का होटल कुर्क किया गया और इसके अलावा जानकारी यह है कि 25 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसको भी सीज कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, 36 मुकदमे दर्ज थे माफिया देवेंद्र सिंह पर, ऐसी खबर है। ये बड़ी जानकारी प्रशासन की तरफ से, बड़ा एक्शन, कुर्क वाली कार्रवाई यहां पर हुई है। माफिया देवेंद्र सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है प्रशासन की तरफ से, भू माफिया है। और देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से शामत आई है माफियाओं की, शहर दर शहर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। जो भी माफिया है उसको बख्शा नहीं जा रहा, छोड़ा नहीं जा रहा। और यहां पर बहराइच में भू माफिया देवेंद्र सिंह पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 110 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है जिसको कुर्क किया गया, बड़ी खबर आपके सामने है, जिसमें 85 करोड़ का होटल कुर्क किया गया है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी है, भारी पुलिस फोर्स है और 25 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसको भी सीज कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है। भाजपा शासित राज्यों के साथ पीएम मोदी की बैठक लगातार जारी है। भाजपा शासित राज्यों के सीएम के साथ में पीएम मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी है। योजनाओं की जानकारी सभी राज्यों के सीएम दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद है। संगठन महासचिव बीएल संतोष की भी मौजूदगी है बैठक में, खबर है ये, बड़ी जानकारी। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, दोनों ही डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी यहां पर है, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। और साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग राज्यों में किस तरीके से काम हो रहा है, एजेंडा किस तरीके से है, किस तरीके से पूरी रूपरेखा बन रही है 2024 के मद्देनजर, इसी पर हो रहा है मंथन। और वही भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ को लेकर कहा कि सोनिया गांधी को पूछताछ में सहयोग करने की आवश्यकता है, कानून इस मामले में अपना काम कर रहा है। कानून है, वो कानून अपना काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि सोनिया जी को भी और कांग्रेस को भी, जिस प्रकार से जब मुख्यमंत्री के रूप में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे गुजरात में और वो स्वयं गए थे और उन्होंने कहा पूछताछ सब करवाई थी उन्होंने, और कहा था जितने घंटे आपको करने उतने घंटे आप करिए, और कोई भी हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन नहीं करा था और वहाँ पे हमारी राज्य में हमारी सरकार थी। तो ये दिखाता है कि कानून का जो पालन है वो करना चाहिए, और ये सीख सोनिया गांधी को मोदी जी से जरूर लेनी चाहिए। और वहीं बरेली पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा इस वक्त बनाया जा रहा है, ताकि मोदी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से आगे ना बढ़ सके, उनको रोका जा सके। ये जानबूझ करके मुद्दा महंगाई का उछाला जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। ठीक है, महंगाई लग रही है, तो देखिए 80 करोड़ लोगों को, आपको पता है हम उस समय भी राशन दे रहे थे, इस समय भी राशन दे रहे हैं, आगे तक भी, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर तक भी। कुछ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं परिवर्तन होते रहता है, लेकिन महंगाई पर पूरा चाक चौबंद तरीके से जब से मोदी जी आए हैं लगाम लगाया हुआ है। जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, संसाधन उतने ही हैं। हम पहले बाहर से खाद्यान्न मंगाते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसलिए छोटी मोटी बातों पर सिर्फ महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई ये नहीं देखा, आज हम विश्व में कहां आगे चले गए इस बात को कहते हैं। संभल में एक चोरी का तालिबानी सजा देने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोर मकान में चोरी करने के लिए दाखिल हुआ था,
और इस दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया, हाथ पैर उसके बांधे और उसकी जम कर धुनाई कर दी। तस्वीर देखिए आप। बताया जा रहा है कि चोर समर्सिबल चुराने के लिए वहां पर आया हुआ था और उसको पकड़ लिया गया, घर में दाखिल हुआ था। चोरी के मकसद से लोगों ने पकड़ा और पैर हाथ पांव उसके बांधे गए, हाथ पांव बांध करके किस तरीके से उसके साथ में ज्यादती हो रही है तस्वीर दिखा रहे हैं। उसको पीटा गया, तालिबानी सजा उसको दी गई है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चोरी करते हुए लोगों ने पकड़ा, दूसरी तस्वीर वो है जब वो दाखिल हुआ था चोरी के मंशा के साथ में, लोगों ने पकड़ा और फिर उसकी जमकर पिटाई की गई, धुनाई की गई, दो तस्वीरें। उसके बाद से पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन पुलिस के आने से पहले लोगों ने खुद ही सजा देनी शुरू कर दी, तालिबानी सजा दी, उसके हाथ पैर बांधे और उसको पीटा किया गया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी आपको दिखाई दे रही है, लोग दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर वो है जब चोरी के मकसद से, चोरी के लिए वो दाखिल हुआ था घर में। और वहीं उन्नाव में एक किसान की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक किसान के गांव के पास के ही तीन लोगों पर किसान की हत्या का आरोप लगा है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी है। किसान की हत्या वारदात के बाद से जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की लगातार तलाश में जुटी हुई है। उन्नाव से ये खबर है, किसान की हत्या से पूरे इलाके में, गांव में सन्नाटा है, सनसनी है और आरोपी फरार, हत्याकांड के बाद से ऐसी खबर है। पुलिस पड़ताल कर रही है, लोगों से भी पूछताछ। तीन लोगों पर जानकारी यह है कि हत्या का आरोप लगा है और तीनों ही आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अब टीम बनाकर दबिश दे रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची और स्मृति ईरानी ने नसीराबाद सीएससी में बूस्टर डोज टीकाकरण का उद्घाटन किया। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने आरोग्य मेले का भी अवलोकन किया, उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी को कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए भी देखा गया और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी उनको करना था, लेकिन मंच पर लोग इंतजार ही करते रहे, स्मृति वहां से वापस लौट गए। पहले उनका संबोधन का भी कार्यक्रम बताया जा रहा था कि यहाँ पर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात तो करेंगे ही, साथ में मंच से भी उनका संबोधन होगा, लेकिन संबोधन उनका नहीं हुआ, वो वापस लौट गए। गाजियाबाद में दो विभागों की लड़ाई इस सड़क पर आ गई। कावड़ यात्रियों के लिए नगर निगम की तरफ से हिंडन नदी के पास विशाल टेंट लगाया गया है, मगर बिजली विभाग ने इसकी लाइट काट दी। बिजली विभाग का कहना है कि नगर निगम ने इसके लिए इजाजत नहीं ली है। हालांकि इस कार्रवाई को दोनों विभाग की आपसी लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। और कुछ दिनों पहले नगर निगम ने नवयुग मार्केट में नाले के ऊपर दफ्तर बना लिया था, जिसे नगर निगम ने अवैध बताकर तुड़वा दिया था। अभी जो पूछा गया क्या वजह थी, तो ये अभी तक कोई कारण नहीं बता पाया है, लेकिन बिजली अब यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ हम लोगों ने जनरेटर भी रखवा रखे हैं। नहीं, इसका उस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, इसका उस मैटर से कोई लेना देना नहीं। शिव भक्तों के लिए परेशानी की कोई जरूरत नहीं, हम सारे लोग, पूरा नगर निगम प्रशासन यहाँ लगा हुआ, जिला प्रशासन पूरा लगा हुआ, पूरी टीमें लगी हुई हैं और ये प्रकरण जो छोटे मोटे होते हैं इनको हम लोग बातचीत से सुलझा लेते हैं और इस समय कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। लाइट जुड़ गई है, लाइट जुड़ गई है। हम इस समय वही मौजूद है जहाँ पर गाजियाबाद नगर निगम ने एक शिविर लगाया, लेकिन गाजियाबाद नगर निगम के शिविर की लाइट काट दी बिजली विभाग ने। बिजली विभाग ने लाइट काट दी तो उसके बाद हड़कंप मच गया और नगर निगम के जो अधिकारी थे उन्होंने बिजली विभाग को पत्र लिखा कि हमने जो शिविर लगाया है उसकी बिजली जोड़ दी जाए, क्योंकि जो शिव भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं उन शिव भक्तों को परेशानी हो रही है। जिसके बाद चारों तरफ एक हड़कंप मचा, प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा, क्योंकि कांवड़ यात्रा सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी जी जान से लगे हुए हैं। वहीं अगर बिजली विभाग की माने तो बिजली विभाग की दलील यह है कि इस शिविर की लाइट की उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, जिसके बाद इसका बिजली कनेक्शन काट दिया। इसकी वजह जो निकल कर आ रही है, इसकी वजह यह निकल कर आ रही है कि एक आपसी विभाग की खुन्नस। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद के बिजली विभाग ने नाले के ऊपर अपना ऑफिस बनाने का कार्य शुरू किया था, जिस खबर को हमने प्राथमिकता से दिखाया था, क्योंकि एनजीटी के आदेश हैं किसी भी नाले पर अवैध अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, लेकिन बिजली विभाग कर रहा था अवैध अतिक्रमण। तो अतिक्रमण की खबर दिखाने के बाद गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने एक आदेश दिया कि उसको गिरा दिया जाए, जिसके बाद उस निर्माणाधीन कार्य को रोका गया, वह उसे गिराया गया। तो यही खुन्नस मानी जा रही है
बिजली विभाग और नगर निगम में अगर माने तो आपसी इस समय कोल्ड वार चल रहा है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। सावन के दूसरे सोमवार से पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में कांवड़ियों का जत्था पहुंच गया है और इस जत्थे का आकर्षण इस बार बाल कांवड़िया बन रहे हैं। देखिए जरा वाराणसी से हमारे संवाददाता नितिश पांडे की रिपोर्ट। तो काशी में कांवड़िया भक्ति के अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये कांवड़िया भक्त हाथों में तिरंगा झंडा लेकर यहाँ पर महादेव के दर्शन के लिए है। लेकिन इसमें खास जो ये बच्चे, ये जो बाल कांवड़िया आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी उत्साह है। तो आपसे जानना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? विवेक पटेल। किस क्लास में पढ़ते हैं? सिक्स, आठ में। आठ में पढ़ते हैं, तो आप भी कांवड़ यात्रा में आ गए हैं? यस सर। तो कांवड़ यात्रा का कितना उत्साह है, छोटे बच्चों में कितना उत्साह? बहुत ज्यादा उत्साह। आप भी, आपका नाम क्या है? आर्यन प्रजापति। किस क्लास में पढ़ते हैं? आठ। आठ में। कांवड़ यात्रा में आप लोग आए हैं अपने साथियों? क्या क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। दर्शन को लेकर क्या तैयारियां कैसी होती हैं? बहुत बढ़िया होती हैं। आप भी आए हैं? आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सेवेंथ में। क्या नाम है आप? अनुज गुप्ता। तो बाबा का दर्शन करने के लिए आप लोग आते हैं? कितना उत्साह हो? आप बताइए। सेवेंथ। क्या नाम है आप? आकाश। तो सेवेंथ में पढ़ते हैं? यस। कांवड़िया दल में। आप देखिए ये कांवड़िया भक्त आपको उत्साह से लबरेज दिखाई देंगे और काशी में कांवड़ यात्रा के कई रंग आपको दिखाई देंगे। और ये जो बाल कांवड़िया है काशी में आकर बोलबम के नारे लगाकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो आप देखिए बोलबम का नारा गूंज रहा है और ये कांवड़िया भक्त जयकारे लगाते हुए सबके आकर्षण का केंद्र बनते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। काशी की तस्वीर तो आपने देखी, मेरठ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मेरठ में भी कांवड़ के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लाखों शिव भक्त कलश कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कुछ शिव भक्तों से बातचीत की हमारे संवाददाता सनोज शर्मा ने। बाबा के जो भक्त हैं वो भला कहां पीछे रहने वाले हैं, ये देखिए शिव भोले के एक भक्त हैं और किस तरीके से जो छोटी छोटी केन है इस केन में गंगा जल लेकर ये शिवालय की तरफ जा रहे हैं। कितनी ये गंगा जल की केन है, कहाँ के रहने वाले ये शिव भोले भक्त हैं, इनसे ही हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे। जय भोले की। जय भोले की जी। भोले कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे? दिल्ली जाएंगे जी, नंद नगरी। अच्छा, नंद नगरी। भोले कितनी केन है ये गंगा जल? 351। अच्छा, 351। 351 तो एक शगुन होता है, किस लिए? बस शगुन ही समझ लो जी, ये भी हमारे भोले बाबा का ही शगुन है जो जल चढ़ाना है। अच्छा, और क्या। तो आपने ये कांवड़ ये कैसे, जंजीर वगैरह ये सब हमने अपने हाथों से बनवाई है ये सब कुछ? किस वजह से 351 केन लाए? ये जी एक एक घर में मैं हर साल बांटता था, 2 साल लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था, इस वजह से अब हर साल बांटनी, ये इस बार बांटूंगा मैं। अच्छा। वैसे ये मेरी तीसरी कांवड़ है ये। हाँ जी। अच्छा, तो जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ 351 घरों में बांटेंगे? हाँ जी। तो मतलब किस वजह से जल देते हैं सबको, कि शिवरात्रि में जल अभिषेक करते हैं? हाँ जी। अच्छा, अभिषेक कर सके वो, मैं जल अभिषेक अपना करने के बाद सबको एक एक मतलब प्रसाद दूंगा और एक एक कहने दूंगा सबको। आनंद नगरी दिल्ली ये जा रहे हैं और पूरी इनकी जो कोशिश है, देखिए अब यहाँ पर थोड़ी देर मुझे लगता है कि ये देखिए विश्राम करने जा रहे हैं। ये देखिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन जो भोले बाबा के भक्त हैं वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये देखिए, देखिए आप, चूँकि 351 जो इनकी ये गंगा जल की केन है, देखिए दूसरे शिव भक्त, ये सबसे बढ़िया बात कांवड़ में रहती है कि किसी भी भोले को कोई दिक्कत और परेशानी है तो तुरंत जो और शिव भक्त कांवड़िए जाते हैं वो मदद के लिए आगे आ जाते हैं। ये देखिए 351 गंगा जल की केन है, नंद नगरी जा रहे हैं और पूरे इलाके में ये 351 गंगा जल की जो केन है ये पूरे इलाके में बांटेंगे और फिर शिवरात्रि के दिन जो शिव भोले हैं वो जलाभिषेक करेंगे। शायद भोले बाबा के भक्त इसीलिए जाने जाते हैं, अगरदानी हैं, जो मन्नत मांगी जाती हैं वो मन्नत भी यहाँ पर पूरी होती हैं और एक शगुन भी होता है, 351 रुपये का, जिस तरीके से कहते हैं 351 रुपये का शगुन भी होता है और ये 351 जो गंगा जल की केन है ये भी उसी शगुन के तहत हैं और हर घर में ये बांटी जाएगी कि जो भोले के भक्त कांवड़ नहीं ला पा रहे हैं, गंगा जल नहीं ला पा रहे हैं,
वो इसी गंगा जल को लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। 26 जुलाई को महाशिवरात्रि है और इस दिन भगवान शंकर को सबसे बड़ा जलाभिषेक किया जाएगा। समय कम बचा है और इसलिए हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों की भीड़ काफी बढ़ गई है, मगर मुजफ्फरनगर में कांवड़ के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। सावन में कांवड़ के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ के दौरान मुजफ्फरनगर में शिव भक्त अलग अलग तरीके की कांवड़ लेकर आ रहे हैं। ये सजी धजी कांवड़ शिव भक्तों का उनके आराध्य देव भगवान शंकर के प्रति समर्पण भाव है। कांवड़िए अपने अपने बजट और पसंद के हिसाब से कांवड़ लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही एक शिव भक्त को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। ये कांवड़िए स्केटिंग शू पहनकर कांवड़ लेकर आए हैं। इन शिव भक्तों ने हरिद्वार से मुजफ्फरनगर की दूरी 12 घंटे में तय की है। 100 किलोमीटर का ये पूरा सफर स्केटिंग शू पहनकर ही तय किया गया है। इस बार कांवड़ में जेसीबी की भी झलक देखने को मिल रही है। बुलडोजर एक्शन से उत्साहित होकर कुछ कांवड़िए तो इस बार जेसीबी से कांवड़ लेने आए हैं। कांवड़ियों की इस टोली को देखिए, ये जेसीबी के साथ कांवड़ लेकर आई है। कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने के बाद अब ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन के जरिए पहरा है ताकि शिव भक्तों को परेशानी ना हो। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक की रिपोर्ट। लखनऊ से बड़ी खबर है, लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले दो और लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले दो और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद इरफान और सऊद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तस्वीर में देखिए आप, 12 जुलाई को बिना परमिशन के मॉल में नमाज पढ़ी थी और अब तक इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक की कल गिरफ्तारी हुई और 4 की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी। बड़ी जानकारी आपके सामने, अब दो और हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। बड़ी खबर आपके सामने, लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसी पर हमारे साथी विवेक जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। विवेक, कहां से इनको गिरफ्तार किया गया और क्या जानकारी है दोनों को लेकर? देखिए दीपा, लुलु मॉल को लेकर लगातार पुलिस एक्शन में है और 9 लोगों का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें से कल एक पकड़ा गया था, जबकि 4 पहले पकड़े जा चुके हैं। अब 2 और गिरफ्तार हुए हैं और ये दोनों सादतगंज के चौपटिया इलाके के रहने वाले हैं। मोहम्मद इरफान और सऊद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये बताया जा रहा है कि वीडियो फुटेज जो मिले थे, यानी लुलु मॉल के भीतर का जो वीडियो आया था उसके बाद जो छानबीन हुई और बाहर के जो वीडियो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके फुटेज निकले थे, उनसे सबको आइडेंटिफाई किया गया कि किस तरह से सब दरवाजे से अलग अलग रास्तों से निकल कर अंदर आते हैं, अलग अलग आते हैं और फिर एक साथ नमाज पढ़ने लगते हैं। उसमें लगातार आइडेंटिफिकेशन चल रहा था। इन दोनों की पहचान होने पर इनको सादतगंज इलाके से, यानी जहां पर रहते हैं वहीं पर छानबीन करती हुई पुलिस पहुंची और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था पहले उनसे पूछताछ में जो क्लू मिले थे, तो सादतगंज में इनके घर के आसपास पुलिस टीम छानबीन कर रही थी तभी ये पकड़े गए। वहां जो सुरागरती पदार्थी होती है, जो मुक्त तंत्र होता है, उसकी मदद से पकड़ा गया है। तो यानी 5 लोग कल तक थे गिरफ्तार और 2 लोग और हो गए, 7 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 गिरफ्तार होने बाकी हैं, यानी 2 और आरोपी। क्योंकि 9 लोग थे, 8 लोग नमाज पढ़ते हुए दिख रहे थे और एक आदमी उनका वीडियो बना रहा था। टोटल 9 लोग को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, लेकिन जो 2 लोग बाकी हैं उनका पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है, पुलिस सोर्सेज का कहना है कि वो अभी गायब हो गए हैं, गिरफ्तारी के डर से भाग गए हैं। तो उनकी तलाश में दबिश भी दी जा रही है, जहां जहां उनके संभावित ठिकाने हो सकते हैं उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है। और ये दूसरा जो वीडियो वायरल हुआ था उसके अगले दिन
एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो और लोग नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन लोग हैं, यानी वो दूसरे वीडियो के लोग अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल ठीक है विवेक, और धीरे धीरे ही सही लेकिन कार्रवाई सब पर होगी, सभी को दबोचा जाएगा, पुलिस ये कह रही है। अब दो और हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है, जो पहले वीडियो में 9 लोग दिखाई दे रहे थे उनमें से 7 लोगों को पकड़ा गया, 2 और बचे हुए उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस कह रही है। जानकारी आपने दी, शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, खबर मऊ से है जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था और इस कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर अब चला दिया है। बताया जा रहा है कि 4.5 बीघा जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कर लिया गया, ये बड़ी जानकारी है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर किस तरीके से चला है मऊ में देखिए, 4.5 बीघा जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवा लिया है, तस्वीर आपके सामने है। और पीला पंजा यहां पर भी गर्जा के अवैध निर्माण किया गया था और फिर हो गई बुलडोजर वाली कार्रवाई, 4.5 बीघा जमीन को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से हटवा दिया गया। ये बड़ी खबर आपके सामने है और किस तरीके से ये कार्रवाई मऊ में हो रही है वो आप देखिए, प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर चला है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण किया गया था और इस अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला है जिस वक्त ये बुलडोजर वाली कार्रवाई, उसी वक्त की तस्वीर, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं और बुलडोजर वाली कार्रवाई यहाँ पर हो रही है जहाँ पर भी अवैध कब्जा किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, वहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार जारी है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।